एक्स का घात 15 के प्रसार में एक्स का घात 18 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्व प्रश्न की भांति यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि माना एक्स स्क्वायर माइनस 3a अपॉन एक्स और इसका घात जो है ये 15 है के प्रसार में r प्लस 1वे पद में x का घात 18 आता है। तो आपको यह पता है कि टी आर प्लस 1 इक्वल टू होता है एन सी आर एक्स का पावर n माइनस r और a का पावर r। तो यहां पर हम लिखेंगे टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एन के स्थान पर है 15 c और r, एक्स के स्थान पर है एक्स का घात 2, ये 15 ऋण आर और ऋण 3a अपॉन एक्स और इसका घात है r। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 15 सी आर एक्स का घात 15 दूनी 30 और ये ऋण 2r और फिर ऋण 3 का घात r a का घात r और बटे में है x का घात r। तो इस तरीके से आप लिख पाएंगे 15 सी आर ऋण 3 का घात r, ये पूरा पद जो हो जाएगा यह गुणांक होगा और फिर x का घात जो है, देखिए यहाँ पर 30 ऋण 2r है और ये r है भाग में है तो ऊपर जा कर के ये ऋण चिन्ह के साथ आ जाएगा 30 ऋण 3r, 30 ऋण 3r आ जाएगा और a का घात r। तो यहाँ पर जो चर राशि है वो केवल यही है x का घात 30 ऋण 3r और इन सबको हम गुणांक मान करके चलेंगे। तो माना कि ये k इंटू एक्स का घात 18 है, हमने माना है कि इसका घात जो है वो 18 है तो इस वजह से हमने इसको कांस्टेंट ले लिया और ये x का घात 18 है। तो आगे हम लिखेंगे कि तुलना करने पर यहाँ पर जो x का घात है ये 30 ऋण 3r है और यहाँ पर x का घात जो है ये 18 है। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 3r बराबर 30 ऋण 18 तो आपको मिल जाएगा 12 और फिर 3 चौक 12 तो r बराबर आपको मिल गया 4। तो इस प्रकार t5 में गुणांक या फिर x का घात 18 का जो गुणांक है ये क्या है 15c4। देखिए r के स्थान पर हम 4 लिखेंगे और फिर ऋण 3 का घात r मतलब 4 और a का घात भी 4 है। सरल करेंगे तो मिल जाएगा 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 बटे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और फिर ऋण 3 का घात 4 और फिर a का घात 4। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 110565 और a का घात 4 और यही इस दिए गए प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x का पावर 3 का पूरे का घात है 20 के प्रसार में अचर पद ज्ञात कीजिए या चर से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। तो पूर्व प्रश्न की भांति यहाँ पर भी हम यही मान करके चलेंगे कि माना 3x स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स का पावर 3 और पूरे का घात 20 है के प्रसार में r प्लस 1वां पद में x का घात 0 या अचर पद आता है, मतलब केवल वहां पर अचर पद होगा, चर पद अनुपस्थित होगा। तो हम ये जानते हैं कि टी आर प्लस 1 हम लिखते हैं और ये होता है एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर और फिर ए का पावर आर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन, एन के स्थान पर है 20 सी आर और एक्स अर्थात 3x का पावर 2 इसका घात है 20 माइनस आर और फिर माइनस 2 बाई एक्स का पावर 3 और इसका घात में आर। तो ये हो जाएगा 20 सी आर फिर 3 का घात 20 ऋण आर
और x का घात 20 दुनी 40 ऋण 2r, और फिर ये ऋण 2 का घात r है और बटे x का घात 3r है। तो यहाँ पर जो हमने माना है कि x का घात शून्य होता है, तो यहाँ पर इसको सरल करेंगे, x का घात में क्या पद है, x का घात 40 ऋण 5r, ये 3r और ऊपर जाएगा, तो कुल मिलाकर सरल करेंगे तो 40 ऋण 5r और x का घात शून्य। तो तुलना करने पर आपको मिल जाएगा 40 ऋण 5r बराबर शून्य, या फिर r बराबर 40 बटे 5, तो r का मान आपको मिल गया 8। तो r बराबर जो 8 आपको मिल गया है, इसका मतलब ये कि x से जो स्वतंत्र पद है, यहाँ पर r के स्थान पर आप लिख देंगे 8, जाएगा 20c8, 3 का पावर 20 माइनस 8 और माइनस 1 का पावर आप 8 लिख सकते हैं और 2 का पावर 8। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20c8, 3 का पावर 12 और 2 का पावर 8, और यही इस दिए गए प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि x प्लस 1 बाई x का पावर 2n के प्रसार में अचर पद ज्ञात कीजिए। तो पूर्व प्रश्न की भांति यहाँ पर भी हम यह लेकर के चलेंगे कि माना x प्लस 1 बाई x का पावर 2n के प्रसार में r प्लस 1वां पद अचर है, तो आप इसे लिखेंगे टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर ए का पावर r से। इसका उपयोग से हम लिख पाएंगे टी आर प्लस 1 इक्वल टू 2 एन सी आर एक्स का पावर 2 एन माइनस आर और 1 बाई एक्स का पावर r। सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 एन सी आर और एक्स का पावर 2 एन माइनस आर और फिर अगेन माइनस आर, ये एक्स घात आर। सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2n सी आर एक्स का पावर 2n माइनस 2r। अतः 2n माइनस 2r इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये कि r इक्वल टू n जो है इस प्रश्न का उत्तर है। इसका मतलब ये कि n प्लस 1वा जो पद है वह इस पद के प्रसार में अचर पद है। तो इसे हम लिखते हैं, x से स्वतंत्र पद भी लिखते हैं और एक x से रहित पद ऐसा भी इसको लिखते हैं, और ये हो जाएगा 2n सी एन। सॉल्व करने पर फैक्टोरियल 2n ऑन फैक्टोरियल n और फिर अगेन 2n माइनस n करेंगे तो मिल जाएगा फैक्टोरियल n, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न में दिया गया है, सिद्ध कीजिए 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 8 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 16 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 16 इंटू 24 एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे भी पद हैं अनंत तक। इसका मान है 1 बटे वर्गमूल 5, यह हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम यह मान करके चलेंगे कि माना कि श्रेणी 1 ऋण 1 बटे 8 धन 1 गुना 3 बटे 8 गुना 16 ऋण 1 गुना 3 गुना 5 बटे 8 गुना 16 गुना 24 का योग 1 प्लस x का पावर n है, यह हम मान करके चलेंगे। अब चूंकि आपको पता है कि 1 प्लस एक्स का पावर n ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स का क्यूब एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको आगे पद मिलते हैं। तो इन दोनों श्रेणियों में
दूसरे और तीसरे पदों की तुलना करेंगे। तो आपको मिल जाएगा एन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एट। देखिए यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर एन एक्स है और यहाँ पर माइनस वन बाई एट है, और यहाँ पर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन वन इंटू टू है, और यहाँ पर आपको यह पद मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि यह समीकरण एक है और एन इंटू एन माइनस वन अपॉन वन इंटू टू इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू है वन इंटू थ्री अपॉन एट इंटू सिक्सटीन। माना यह समीकरण दो है। अब समीकरण दो को भाग देते हैं समीकरण एक के वर्ग से, तो आपको मिल जाएगा n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू एन स्क्वायर इक्वल टू वन इंटू थ्री अपॉन एट इंटू सिक्सटीन इंटू एट का स्क्वायर। आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा n माइनस वन, और ये n और इसका एक घात का n कैंसिल हो गया, बटे दो n बराबर एक गुना तीन बटे दो, घात दो है आठ में और यहाँ पर एक घात कैंसिल, और फिर ये आठ दूनी सोलह है तो यहाँ पर सिर्फ दो बचेगा, तो ये एक गुना तीन बटे दो। आगे जब इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा n माइनस वन इक्वल टू थ्री n, या फिर 2n इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा n इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल चुका है। अब समीकरण एक में हम मान रख देते हैं, समीकरण एक ये है, एन का मान है ऋण एक बटे दो एक्स बराबर ऋण एक बटे आठ, तो एक्स बराबर आपको मिल जाएगा एक बटे चार। तो एन का मान मिल चुका है, एक्स का मान मिल चुका है, तो इसका मतलब ये कि इस प्रकार हम वन प्लस एक्स का पावर एन, यहाँ पर एक्स के स्थान पर आप एक बटे चार लिख सकते हैं और एन के स्थान पर ऋण एक बटे दो लिख सकते हैं। तो सरल करने पर आपको मिल जाएगा पाँच बटे चार, देखिए इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा पाँच बटे चार, इसका घात है ऋण एक बटे दो, तो इसे आप चार बटे पाँच का घात एक बटे दो लिख सकते हैं। अंश को हर में और हर को अंश में बदलेंगे तो ये घात जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा। एक बटे दो का मतलब है वर्गमूल, तो चार का वर्गमूल दो और पाँच का वर्गमूल ये। तो इस प्रकार आगे हम लिख सकते हैं कि ये जो पद है वन माइनस वन बाई एट प्लस वन इंटू थ्री अपॉन एट इंटू सिक्सटीन एंड सो ऑन, इसका योग हमने माना था वन प्लस एक्स पूरे का घात एन, यहाँ पर एक बटे दो बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि एक बटे दो गुना एक ऋण एक बटे आठ धन एक गुना तीन बटे आठ गुना सोलह, और फिर इस तरीके से ये अगला पद अनंत तक, और ये है दो बटे वर्गमूल पाँच था, तो ये दोनों का गुणा जब करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक बटे वर्गमूल पाँच, और यही हमें सिद्ध करना था। तो आपको पता है कि व्यापक पद हम लेते हैं टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर और ए का पावर आर, और हमें निकालना है आरवां पद। तो इसका मतलब ये कि r प्लस वन के को हमें r से रिप्लेस करना है। तो जब इसे आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा एन सी आर माइनस वन। देखिए r के स्थान पर यदि आप r माइनस वन रखेंगे तो आपको टी आर मिल जाएगा, तो ये एन सी आर के स्थान पर हमने r माइनस वन रखा, फिर x n माइनस आर और फिर ये माइनस वन, और माइनस यहाँ पर ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ए का पावर आर माइनस वन। देखिए हमने किया क्या है कि आर को हमने आर माइनस वन से रिप्लेस कर दिया है,
तो जो r प्लस वन होगा दोनों साइड में आप ऐड करेंगे वन, तो r माइनस वन प्लस वन, ये आपको मिल जाएगा r। तो जहाँ पर r प्लस वन है वो रिप्लेस हो जाएगा r से, हमने यहाँ पर r लिखा है, और जहाँ पर r है उसको हमने r माइनस वन से रिप्लेस किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर r है तो ये भी r माइनस वन, और n माइनस r, देखिए n माइनस r है तो आप लिखेंगे n माइनस r, और माइनस और माइनस प्लस वन आ जाएगा, तो ये n माइनस r प्लस वन। तो rवां पद हमें मिल चुका है, और इसके हम आगे सरल करते हैं तो आपको मिल जाएगा 15 CR माइनस वन, एक्स के स्थान पर है x का पावर 4, और ये मिल जाएगा 15 माइनस आर प्लस वन, और एक स्थान पर है माइनस वन अपॉन एक्स का पावर 3, और ये r माइनस वन। इसको आगे सरल करते हैं, आगे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा 15 CR माइनस वन, एक्स का पावर आपको मिल जाएगा 67 माइनस 7R, और माइनस वन का पावर r माइनस वन। और चूंकि कहा गया है कि इसके rवें पद में x का पावर माइनस 17 का गुणांक आता है, तो मान लेते हैं कि ये जो गुणांक है ये k है और ये माइनस 17 हमारे प्रश्न में ये दिया गया है। तो देखिए अब x के घातों की हम तुलना करेंगे, x का घात यहाँ पर है 67 माइनस 7R, और यहाँ पर है माइनस 17। आगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7R इक्वल टू 67 प्लस 17, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको 84। तो R इक्वल टू 84 अपॉन 7, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 12। तो R का मान हमें 12 प्राप्त हो चुका है, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करने कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि रूट एक्स माइनस लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर का पूरे का घात 10 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद 405 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम यही लेकर के चलेंगे कि माना r प्लस वनवा पद जो है यह अचर पद है, तो ये होता है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर ए का पावर आर, और यह दिया गया है 405 अचर पद है, तो एक्स घात शून्य हम लिख सकते हैं। सरल करेंगे तो एन सी आर तो जाएगा 10 CR, एक्स का घात 1/2 तो पहले से है क्योंकि वर्गमूल है, और ये 10 माइनस आर, और फिर माइनस लैम्डा, और x का पावर माइनस टू यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसका घात r है, और ये है 405 x का घात शून्य। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 10 CR, सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x का घात 5 ऋण r बट्टे 2 ऋण 2R, और माइनस लैम्डा का पावर r, और ये है 405 x का पावर 0। तो यहाँ पर x का जो घात है और यहाँ पर जो x का घात है इसको हम तुलना करके लिख सकते हैं, 5 माइनस आर बाई टू माइनस माइनस टू आर इक्वल टू 0। तो या फिर आप लिख सकते हैं r बाई टू प्लस टू आर इक्वल टू 5, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा r प्लस टू आर स्क्वायर इक्वल टू 10। तो ये एक वर्ग समीकरण है, तो ये हो जाएगा r, और 2 इंटू 2 करेंगे तो मिल जाएगा 4, और ये 2 को गुणा कर देंगे इस तरफ तो मिल जाएगा 10। तो यहाँ से आपको मिल गया 5R इक्वल टू 10, तो आपको मिल गया है r इक्वल टू 2। r इक्वल टू 2 हमें प्राप्त हो चुका है, और अब हमें वहाँ पर लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये जो समीकरण है यहाँ पर हम इसका उपयोग करने वाले हैं। तो इस प्रकार 10 CR, r का मतलब है माइनस लैम्डा का पावर 2 इक्वल टू 405 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 405 अपॉन 10 C2। इसका मतलब ये कि 405 और 10 C2 का मतलब है 10 × 9 और अपॉन 1 × 2। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल रहा है 9, तो इसका मतलब ये कि लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस
3। यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि x का पावर 4 माइनस 1 अपॉन x क्यूब एंड होल पावर 15 के प्रसार में x का पावर माइनस 17 का गुणांक rवें पद में आता है तो r का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि व्यापक पद हम लेते हैं टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, एक्स का पावर एन माइनस आर और ए का पावर आर, और हमें निकालना है आरवा पद। तो इसका मतलब ये कि आर प्लस वन के को हमें आर से रिप्लेस करना है। तो जब इसे आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा एन सी आर माइनस वन। देखिए आर के स्थान पर यदि आप आर माइनस वन रखेंगे तो आपको टी आर मिल जाएगा। तो ये एन सी आर के स्थान पर हमने आर माइनस वन रखा, फिर एक्स एन माइनस आर और फिर ये माइनस वन, और माइनस यहाँ पर ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ए का पावर आर माइनस वन। देखिए हमने किया क्या है कि आर को हमने आर माइनस वन से रिप्लेस कर दिया है, तो जो आर प्लस वन होगा दोनों साइड में आप ऐड करेंगे वन, तो आर माइनस वन प्लस वन, ये आपको मिल जाएगा आर। तो जहाँ पर आर प्लस वन है वो रिप्लेस हो जाएगा आर से, हमने यहाँ पर आर लिखा है, और जहाँ पर आर है उसको हमने आर माइनस वन से रिप्लेस किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आर है तो ये भी आर माइनस वन, और एन माइनस आर, देखिए एन माइनस आर है तो आप लिखेंगे एन माइनस आर और माइनस प्लस वन आ जाएगा, तो ये एन माइनस आर प्लस वन। तो आरवा पद हमें मिल चुका है और इसके हम आगे सरल करते हैं तो आपको मिल जाएगा 15 सी आर माइनस वन, एक्स के स्थान पर है एक्स का पावर 4 और ये मिल जाएगा 15 माइनस आर प्लस वन, और ए के स्थान पर है माइनस वन अपॉन एक्स का पावर 3 और ये आर माइनस वन। इसको आगे सरल करते हैं, आगे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा 15 सी आर माइनस वन, एक्स का पावर आपको मिल जाएगा 67 माइनस 7 आर और माइनस वन का पावर आर माइनस वन। और चूंकि कहा गया है कि इसके आरवें पद में एक्स का पावर माइनस 17 का गुणांक आता है तो मान लेते हैं कि ये जो गुणांक है ये के है और ये माइनस 17 हमारे प्रश्न में ये दिया गया है। तो देखिए अब x के घातों की हम तुलना करेंगे, x का घात यहाँ पर है 67 माइनस 7 आर और यहाँ पर है माइनस 17। आगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7 आर इक्वल टू 67 प्लस 17, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको 84। तो r इक्वल टू 84 अपॉन 7 सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 12। तो r का मान हमें 12 प्राप्त हो चुका है और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करने कहा गया था। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं जहाँ पर दिया गया है कि 1 माइनस x पूरे का जो घात है वो 3/2 है, इसके 4 पदों तक प्रसार लिखिए। तो इसका प्रसार लिखने के लिए आपको इस सूत्र की आवश्यकता होगी, 1 माइनस x का पावर n, इसका यह सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है 1 माइनस nx प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, या फिर ये 2 का फैक्टोरियल आप ऐसा समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पर प्लस माइनस प्लस फिर से माइनस आएगा, फिर n, n माइनस 1, n माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 और x का क्यूब इस तरीके से। अब चूंकि कहा गया 4 पदों तक विस्तार लिखना है, इस वजह से हमने सिर्फ 4 पद लिखे हैं। अब इस सूत्र में 1 माइनस x का पावर 3/2, तो n के स्थान पर हमको 3/2 लिख करके सरल करना है। तो x 1 माइनस x पूरे का पावर 3/2 के 4 पदों तक प्रसार हमें लिखने के लिए कहा गया है। तो इसमें पहला पद है 1, फिर n के स्थान पर आप लिखेंगे 3/2 3/2, फिर n के स्थान पर 3/2, फिर 3/2 ऋण 1 और ये 1 × 2 और ये x का घात 2, फिर ऋण 3/2 3/2 ऋण 1 फिर 3/2 ऋण 2 /
एक गुना दो गुना ये तीन और ये x का घात तीन। चलिए इसे आगे सरल करते हैं, आपको मिल जाएगा 1 माइनस 3x अपॉन 2, हम ऐसा लिख सकते हैं। और इसको जब आप सरल करेंगे तो चलिए देखते हैं, 3 बाई टू और 3 बाई टू माइनस 1 करेंगे आपको मिल जाएगा 1 बाई टू, और ये 1 इंटू 2 करेंगे तो आपका 1 बाई टू है, और फिर ये एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3 बाई टू इंटू 1 बाई टू, और ये माइनस 1 बाई टू, और फिर 3 और 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 6, तो ये 1 बाई 6, और ये x का पावर 3। आगे सरल करने पर आपको मिलेगा 1 माइनस 3x अपॉन 2 या 3 बाई 2x ऐसा भी आप लिख सकते हैं, प्लस 3 अपॉन 8 x का पावर 2 प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और x का पावर 3 अपॉन x का पावर 3 अपॉन 16, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है, 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस 4 के प्रसार में आर प्लस 1 वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको 1 माइनस एक्स पूरे का घात ऋण एन के प्रसार में आरवां पद के प्रसार में आर प्लस 1 वां पद क्या होता है ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो इसे हम लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि 1 माइनस एक्स का घात ऋण एन के प्रसार में आर प्लस 1वां पद, इसे हम लिखते हैं टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 अप टू एन प्लस आर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल आर, और ये एक्स का पावर आर। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने सूत्र लिखा है, उपर्युक्त में एन इक्वल टू 4 जब हम रख देंगे और 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 4 हो जाएगा के प्रसार में व्यापक पद, इसे ही व्यापक पद के नाम से भी जाना जाता है। तो n के स्थान पर आप 4 रख रहे हैं, तो ये 4, फिर ये 5, 6, इस तरीके से 4 धन r और ऋण 1, और ये बटे में आ जाएगा r का फैक्टोरियल और x का घात r। आगे जब आप इसे सरल करेंगे तो वैसे तो ये उत्तर है, या फिर आप 4 गुना 5 गुना 6 इस तरीके से, 4 में घटाएंगे आपको मिल जाएगा 3, 3 धन r बटे r का फैक्टोरियल, यहाँ तक लिखते हैं, ये भी उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x क्यूब के प्रसार में x का घात 10 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसके विस्तार में x का घात 10 का गुणांक ज्ञात करने के लिए पहले इन दोनों को थोड़ा सरल करना होगा। इसका मतलब यह कि 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x का पावर 3, इसे पहले हम सरल कर लेते हैं। तो 1 प्लस 2x और ये 1 माइनस 2x का पावर माइनस 3, और यदि इसे आप और आगे सरल करें तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 2x का पावर माइनस 3 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 2x का पावर माइनस 3। ये 1 प्लस 2x से हमने इस पद को गुणा कर दिया, तो आपको कुछ इस तरीके से यह पद मिल जाएगा। तो आगे हम लिख रहे हैं कि 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x क्यूब के विस्तार में x का घात 10 का गुणांक बराबर, यहां पर पहले पद में जो है इसके विस्तार में भी आपको x का घात 10 का गुणांक देखना होगा,
और इसके विस्तार में भी x का घात 10 का गुणांक देखना होगा। तो इसे हम लिखेंगे कि 1 माइनस 2 एक्स का पावर माइनस 3 के प्रसार में x का घात 10 का गुणांक धन 2x इंटू 1 माइनस 2 एक्स का पावर माइनस 3 के प्रसार में x का घात 9 का गुणांक। देखिए यहां पर ये जो आपका 2x है, तो इस वाले पद के विस्तार में जब 9वां पद आएगा, इस पद के विस्तार में x का घात 9 वाला पद आएगा और इसके साथ गुणा होगा, तब x का घात 10 आपको मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 माइनस 2 एक्स का पावर माइनस 3 के प्रसार में x का घात 10 का गुणांक और इस पद के विस्तार में, मतलब इस पर्टिकुलर पद के विस्तार में x का घात 9 का गुणांक हमें लेकर के चलना है। तो चूंकि आपको पता है कि 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 9 के विस्तार में जो व्यापक पद होता है, इसे हम टी आर प्लस 1 से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अप टू n प्लस आर माइनस 1 अपॉन r का फैक्टोरियल और x का पावर r। तो इसलिए हम लिखेंगे कि 1 माइनस 2 एक्स का पावर माइनस 3 के विस्तार में x का घात 10 का गुणांक तो n के स्थान पर हम 3 रखेंगे, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 3 गुना 4 गुना 5, इस तरीके से आपको पद मिलेगा और 3 धन, चूंकि x का घात 10 निकालना है तो यह 10 और यह ऋण 1 और फिर x का घात r, तो 2 का घात 10 बटे 10 का फैक्टोरियल। आगे जब इसे आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 गुना 4 गुना 5 और इस तरीके से 12 तक जाएगा ये, और 10 का फैक्टोरियल है यहाँ पर और 2 का घात 10। तो यहाँ पर यदि 1 और 2 का गुणा कर दिया जाए तो ये 12 का फैक्टोरियल आपको मिल जाएगा। तो जब 1 और 2 का अंश में गुणा कर रहे हैं तो हर में भी हमको उसका गुणा करना होगा और ये 2 का घात 10। तो कुल मिला करके ये अंश में जो पद है ये 12 का फैक्टोरियल हो गया और फिर 2 का घात 10 है और ये 2 और फिर ये 10 का फैक्टोरियल। अब इसके बाद हम 1 माइनस 2 एक्स का पावर माइनस 3 के प्रसार में हमें x का घात 9 का जो गुणांक है वह ज्ञात करना होगा। अब हम लिख रहे हैं 1 माइनस 2 एक्स का पावर माइनस 3 के प्रसार में या विस्तार में x का घात 9 का गुणांक हम निकालने वाले हैं। तो सूत्र का उपयोग करके आगे जब आप सरल करेंगे तो मिल जाएगा 3 गुना 4 गुना 5 और आपको मिलेगा 3 धन 9 ऋण 1 बटे 9 का फैक्टोरियल और इस तरफ 2 का घात 9 आ जाएगा। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 3 गुना 4 गुना 5, अब ये 11 तक जाएगा और ये 9 का फैक्टोरियल और अंश में है 2 का घात 9। तो यदि इस प्रथम अंश में प्रथम दो पद में यदि 1 और 2 का गुणा कर दें तो ये 11 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इसमें हम इसको लिख रहे हैं 1 गुना 2, इस तरीके से ये 11 तक है। अगर आप अंश में गुणा कर रहे हैं तो उन्हीं संख्याओं का गुणा आपको हर में करना होगा ताकि बैलेंस बना रहे। अब 1 से लेकर के 11 तक का गुणा, ये 11 का फैक्टोरियल है, इसे हम लिख देंगे 11 का फैक्टोरियल और फिर ये 2 और ये 9 का फैक्टोरियल और ये 2 का घात 9। तो हमें जो गुणांक निकालने कहा गया था उसे हम लिख रहे हैं अभीष्ट गुणांक, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, वहाँ पे 12 का फैक्टोरियल आया था और 2 और 10 का फैक्टोरियल
और 2 का घात 10 हमें मिला था। इसी प्रकार 2 गुना 11 का फैक्टोरियल और ये 2 का घात 9 और ये 2 और ये 9 का फैक्टोरियल। तो यदि आप दोनों पदों में 2 का घात 10 उभयनिष्ठ निकाल लें और 2 को हर से 2 को उभयनिष्ठ निकाल लें तो अंश में 12 का फैक्टोरियल और हर में 10 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार अगले पद में 11 का फैक्टोरियल और हर में 9 का फैक्टोरियल आएगा। तो आगे जब आप सरल करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं 2 का घात 10 बटे 2, इसी तरीके से रहने दीजिए। 12 को आप लिख सकते हैं 12 गुणित 11 गुणित 10 का फैक्टोरियल। तो 12 और 11 यहाँ पर बचेगा और 10 का फैक्टोरियल दोनों अंश और हर में कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार 11 गुणित 10 और अंश से 9 का फैक्टोरियल और हर से 9 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे 2 का घात 10 बटे 2, 11 और 12 का गुणा करेंगे मिल जाएगा आपको 132 और ये आपको मिल जाएगा 110। तो 2 का घात 10 बटे 2 और इसे जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 242। और आगे सरल करने पर आपको मिल जाएगा 121, 242 को 2 से भाग देंगे 221 मिलेगा और यह है 2 का घात 10। और यही अभीष्ट प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स पूरे का घात n बराबर 1 धन n गुना 2 एक्स बटे 1 धन एक्स धन n गुना n धन 1 और ये 1 गुना 2 और 2 एक्स बटे एक्स धन एक्स या एक वन या 1 धन एक्स का घात 2, इस तरीके से है। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सरल करने के लिए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, पूरे का जो घात है यह n दिया हुआ है। तो यदि इसके क्रम को बदल दें, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कर दें तो इसके घात को हम ऋण n लिख सकते हैं। और फिर इसे सरल करके आप लिख सकते हैं 1 ऋण 2 एक्स बटे 1 धन एक्स, आंशिक भिन्नों में हमने इसको बदल दिया है, और फिर ये ऋण n। तो देखिए ये 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n के सूत्र के फॉर्मेट पर आ चुका है और उसका उपयोग करके हम इस पद का विस्तार लिख सकते हैं। जब आगे आप इसे सरल करेंगे तो 1 प्लस n और फिर x रहता है, तो ये 2x अपॉन 1 प्लस x। फिर अगला जो पद होता है ये n इंटू n प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 और अगले पद का स्क्वायर, तो 2x अपॉन 1 प्लस x का पावर 2 और अगला पद n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 और फिर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 3। इस तरीके से आगे यह पद आएगा। चूँकि 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एन यह होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 एक्स का क्यूब एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यह सिद्ध हुआ।